हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था किस तरह आप एक इस टॉपिक की वीडियो बनाइए, किस तरह कि हम लोग किस तरह से फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है ना। और इसके पहले कि जिन लोगों को भी डाउट था IRC को लेकर DRC को लेकर, मैंने आई थिंक बहुत लोगों का डाउट मैंने क्लियर कर दिया था। अगर अभी कुछ छोटा मोटा डाउट बचा रहेगा तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका जरूर आपका सोल्यूशन दूंगा। और मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि आपको IRC या फिर DRC में से किसी एक का मेल आना कंपलसरी, और आपको DRC देना भी मैंडेटरी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू गिव योर एग्ज़ाम देन इट विल बी वेरी, आपको प्रॉब्लम हो सकता है लास्ट में जाके, ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम का मेल आपको नहीं आता तो आप मेकश्योर कीजिए कि अभी टाइम है, अभी तक एंड नहीं हुआ, तो DRC का आप लोग का मेल आ सकता है। जिसको IRC का नहीं आया है, आपको DRC या फिर IRC में से किसी एक को एग्ज़ाम आपको देना कंपलसरी है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ऑनलाइन जिसने ऑफलाइन भरा है उसका कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं, उनको नहीं देना है। तो इस वीडियो में चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ाई करेंगे, आपको सोर्सेज कहाँ कहाँ से प्रोवाइड मिल जाएंगे। आपको मैं सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे, आपको क्या क्वेरी आपकी क्या क्वेरी हो सकती है, क्या कैलकुलेटर अलाउ है। अगर हम घर में बैठे दे रहे हैं तो क्या हम घर से बैठ के हम लोग पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊँगा, आपको एक्चुअल का क्वेश्चन को फिल करवाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए पहले बात कर लेते हैं इसका NQT का जो स्ट्रक्चर होने वाला है एग्ज़ाम का वो कैसा है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। तो बात करते देखते हैं कि आप वर्बल एबिलिटी जो आपकी होगी 24 क्वेश्चंस का 30 मिनट्स का होगा, ठीक है ना, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव आएगा। सेकेंड वन इज रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या क्या रहेगा, सर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा 50 मिनट्स का। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर आपका नंबर सिस्टम, एथमेटिक, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, जो आपका 26 क्वेश्चन 40 मिनट्स का रहेगा। ये रहा आपका NQT का स्ट्रक्चर के बारे में। और आपको मैं इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है ना। आप इस दोनों लिंक में आप आके एक्चुअल एग्ज़ाम का फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि इसमें आपको कैलकुलेटर इनबिल्ट मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, आपको जब एग्ज़ाम देंगे ना TCS NQT का, तो आपको उसमें कैलकुलेटर इनबिल्ट मिलेगा। वो कहाँ रहेगा इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो मैं दोनों का लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है ना। इसका कोड देख सकते हैं, आपका कोड है 1010 1016, और इसका मैं दोनों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आराम से जाकर इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसमें तो कुछ भरना पड़ता है, कुछ नहीं भरना, बस आपको सिंपल यहाँ पर आपको साइन इन करना है। इस दोनों लिंक पर भी साइन इन करना है, ठीक है। मैं पहले दिखाता हूँ कि एक्चुअल एग्ज़ाम का फील आपको कैसा होने वाला है, ठीक है ना। साइन इन करना है आपको, फिर थोड़ा वेट करना है। देख सकते हैं आप इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। मैं पहले आपको एक बार इंस्ट्रक्शन को है क्या होता ना कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आई थिंक मुझे स्लो बोलना चाहिए, हाँ ठीक है। तो देख सकते हैं आपका टोटल ड्यूरेशन जो होने वाला है वो 120 मिनट्स का होने वाला है, मतलब कि 2 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर, मतलब आपको ऊपर में यहाँ पर आपका क्लॉक एक घड़ी चलेगा, टाइमर, ठीक है, 120 मिनट से वन उल्टा घड़ी चलेगा, ठीक है ना। द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग विल बी टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कम्प्लीट द एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम लेवल सबमिट बटन विल बी इनेबल्ड एट द एंड ऑफ द एग्जाम ओनली। जब तक कि आप 120 मिनट को कम्प्लीट नहीं करते हैं तब तक अभी आपका टाइमर चलता रहेगा। अगर आप बोलेंगे सर मेरा एग्ज़ाम मैं जल्दी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका 120 मिनट नहीं होता तब तक आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, जब अब तक आपका 120 मिनट्स नहीं होता है। आगे बात करते हैं एंसरिंग अ क्वेश्चन, प्रोसीड्यूर ऑफ एंसरिंग अ क्वेश्चन। मैं फिर बता दूं, टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। आप जब पहले आंसर कर देंगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। टू सेलेक्ट योर आंसर क्लिक द बटन ऑफ द टॉप ऑप्शन, ठीक है ना। मैं बताऊंगा प्रोसेस, ठीक है इसको। अगर आपको कोई डिसलेक्ट करना है तो क्लियर रिस्पॉन्स पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। टू चेंज योर चूजन आंसर बटन क्लिक अनदर ऑप्शन, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है ना। और इसमें चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सिंपल आपको यहाँ नीचे आपको बटन मिल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूँगा, ठीक है ना। आपको सिंपल यहाँ पर नेक्स्ट पर जाना है। तो यहाँ पर फिर से एक बार ये बता दिया गया अच्छे से, न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है, 26 का आपको क्वेश्चन, अब 40 मिनट्स का वर्बल, 24 क्वेश्चन 30 मिनट्स, रीजनेबिलिटी का 30 क्वेश्चन 50 मिनट्स का, ठीक है ना। तो इतना आपको ये आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। आपको 3 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर सिंपल यहाँ पर आपको रीड पर क्लिक करना है। ये जो मैं आपको कर रहा हूँ ये आपको एक्चुअल एग्जाम पर भी आपको ऐसा ही फील होगा, ठीक है ना। आपको आई एम रेडी टू बिगिन करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको वेट करना है, ठीक है ना। ये सर आपका क्वेश्चन रहे, मतलब इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। टाइमर यहाँ पर देख सकते हैं टाइमर अपना, ठीक है। यहाँ आपको टाइमर देखने को मिलेगा 39 मिनट्स आपका चल रहा है, मतलब ये 40 मिनट्स का हो रहा है लेकिन एक्चुअल आपका एग्ज़ाम 120 मिनट्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ तो 40 मिनट्स का क्योंकि पर्टिकुलरली देखो मैं बता दूँ, ये 40 तो कितना हुआ, 40 इंटू 40 120,
वैसे ही इसमें भी सेम है, 40 40 40। और आपका ऐसा नहीं है, अगर आप उसको जल्दी भी क्लियर करते ना, फिर भी आपको 40 मिनट्स टाइम देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हर एक इसके लिए 40 मिनट्स, इसके लिए 40 मिनट्स और इसके लिए 40 मिनट्स, आपको तीनों सेक्शन के लिए 40 मिनट्स आपको देना ही पड़ेगा। भले ही आपका एग्ज़ाम 30 मिनट में हो जाए, 5 मिनट्स में हो जाए, 10 मिनट्स में हो जाए, डजेंट मैटर, आपको 40 मिनट्स इसमें स्टे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बता दूँ, एक बार अगर आपको आंसर सॉल्व कर लेते हैं, लाइक आप यहाँ पर आए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट कैलकुलेटर मिलते हैं, देख सकते हैं। और ये जो कैलकुलेटर है ना, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ये आपका नॉर्मल कैलकुलेटर है, ठीक है। ये कैलकुलेटर जो आपका है, ये नॉर्मल कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको आप सब नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक 88 आप यहाँ पर रूट निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, एमसी, मतलब आप यहाँ पर नॉर्मली जो कैलकुलेटर करता है इस हिसाब, वो अपना यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर नॉर्मल कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। और मैं बता दूँ कि अगर रहा बात, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, इसका मैं बताऊंगा, ठीक है ना, आपको ये आपको कहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपको मन में एक डाउट रहेगा, सर इससे तो मुझे देख के लग रहा है ये तो बड़ा सॉल्व होगा, तो क्या मैं पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मैं अपना ही सबसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप मुझे मतलब ये मत ले लीजिएगा पूरा फोकस में कि हाँ आपने बताया इसलिए मैंने एग्ज़ाम में लेके बैठा था, मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। मैं बता दूँ पहले ऑनलाइन का, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आपको पेन पेपर का इस्तेमाल करना, अभी तक ऐसा कहीं भी नोटिस नहीं आया है TCS के NQT के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर मेल में कि आप पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैं बस देखो मैं हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि मैं और किसी यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ, ठीक है ना, कि मैं उतना प्रोफेशनली बोलता हूँ, मैं वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ, मैं वो बोलता हूँ, मैं लैंग्वेज भी आप लोगों का जैसा ही होगा, ठीक है ना। मैं कोई ये कोई नहीं हूँ कि मैं आप यूट्यूब बना गया तो मैं बहुत क्या स्मार्ट बन के बोलूँगा, नहीं, मैं जो हूँ आप लोग को वही दिखाता हूँ। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आप लोग मेरे साथ में लंबे समय तक रहेंगे, नहीं तो फिर आप लोग चले जाएंगे। इसलिए मैं जो हूँ मैं आप लोग को वही दिखाऊंगा, मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनूंगा, मैं जो हूँ वही हूँ, ठीक है। तो मैं बता दूँ, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ना कैमरा के सामने थोड़ा सा सामने आके बैठिएगा, ठीक है ना, कि आपका जो चेहरा है ना वो कैमरा के सामने फोकस कर सके, और पेन पेपर को आप ऐसे पकड़िएगा ना कि ताकि आप कैमरा की तरफ भी ध्यान रहे, पेपर की तरफ भी ध्यान रहे, क्योंकि वो आपको कैमरा के सामने से नहीं हटना है। और अपने पीछे अगर कोई भी अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है या फिर कोई भाई बहन है तो उसको साइड कर दीजिएगा, अगर किसी का भी अगर रिफ्लेक्शन भी आता है ना तो डिसक्वालीफाई कर देगा आपको, ठीक है ना। तो चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आप अपने लेफ्ट जो कैमरा होता है ना उसके पास आप कॉपी पेन रख के करें। मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस इस वीडियो में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप, मैं फिर बता दूँ कि मैं बस नॉर्मली आप लोग से बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए जिस तरह से मैं करूँगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई किसी को लग रहा है कि मैं चीटिंग के लिए हेल्प कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पेन पेपर का नाम ले रहा हूँ और कुछ का नहीं, बाकी जो समझदार है उन लोग को पता है कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है ना, उतना इसलिए मैं इतना नहीं बोलूँगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपको जैसे क्या मान लीजिए कि आपने इसे सॉल्व किया, आपका आंसर 36 है, ठीक है, आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक बार आप अगर 7 नेक्स्ट पर करेंगे तो यू कैन नॉट रिविजिट द क्वेश्चन अपॉन नेगेटिविटी। मैं बता दूँ इसमें आप दोबारा उस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। यस किया मैंने, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया, मैं प्रीव्यू पर जाऊँगा, देख सकते हो मैं नहीं आया, देख दो, यू कैन नॉट व्यू एनी प्रीवियस क्वेश्चन। तो ध्यान रखें कि आप कभी भी कोई अगर आप क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप डैम श्योर होकर सॉल्व करें। और बता दो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपका करेक्ट क्वेश्चन पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसको आप अच्छे से सॉल्व करें। और यार आप लोग, नहीं मैं नॉर्मली बताता हूँ, आप बताओ यार इस क्वेश्चन को कौन होगा जो देख के सॉल्व करेगा, मैं किसी का नाम बताओ जो उसको देख के सॉल्व करेगा, तो जाहिर सी बात है आपको पेन पेपर की जरूरत पड़ेगा। तो यार आप लोग करो, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ करो, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार नहीं हो पाएगा यार, ये देख के कौन सॉल्व कर पाएगा यार, 8 × 45 2 × 42 42/5 तो पागल है क्या, नहीं हो पाएगा। हम लोग कोई अल्बर्ट आइंस्टाइन का बेटा नहीं है, फिर से कोई सदस्य नहीं है, ठीक है, तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ठीक है तो नॉर्मली करो यार, कि कैमरा के सामने से चेहरा मत हटाना, फिर से बता रहा हूँ, कैमरा के सामने से चेहरा मत हटाना, करना है पेन पेपर को नीचे रखना, छुपा कर रखना, थोड़ा सा कैमरा के सामने मत लाना, क्योंकि अभी तक कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। अगर आप इन सेंटर हो तो आई थिंक वो लोग आपको पेन पेपर प्रोवाइड करेंगे, आई थिंक सो, क्योंकि हम मुझे पता है कि जब हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने, जब मैं गया था तो लोग पेन पेपर देते हैं सॉल्व करने के लिए यार, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है दे देंगे। अब वो देखा जाएगा जब आपको, जब इसका ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उस पर चल जाएगा, ठीक है ना। आपको जब मेल आएगा जिन्होंने इन सेंटर भरा है तो उन लोग को मेल आएगा हर टिकट के साथ में, तो वो लोग वहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका आंसर ये था तो आपने 7 नेक्स्ट पर किया, तो फिर से बैक नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पता है अगर मैं सारा कर दूँ ना फिर मुझे 40 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो ये सारा क्वेश्चन है, मैं बता दूँ कि आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं इसको नीचे कर देता हूँ, उतना दूर तक मैं करूँगा नहीं, नीचे कर देता हूँ। ये दो है, ठीक है ना, मैं अभी इसमें गया था सॉल्व करने के लिए, और दूसरा आपको ये मिल जाएगा। एक सैम्पल टेस्ट पेपर है, एक पेपर है, दोनों एक ही जैसा ही है, आप दोनों में जा सकते हैं। ये दूसरा वाला है, देख सकते, दोनों सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आपका ये, ठीक है, ये आपका सैम्पल टेस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका, ठीक है, आपका सैम्पल टेस्ट है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर रीड पर क्लिक करना। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं इसमें बस चार क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके भी आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका 40-40 क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर इसमें तो आगे पगल हो रहा है, लेकिन ये आपका एक्चुअल नहीं है, बस आपका ये आपका सैम्पल टेस्ट है, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल टेस्ट नहीं है, सैम्पल टेस्ट है, जो मैंने इससे पहले दिखाया था वो था, ठीक है ना, उस पर ध्यान में रखना, ठीक है। आपको पढ़ना कहाँ है, ठीक है ना, अगर आपको आंसर वगैरह मतलब उसका जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, ठीक है, मैंने आपको इसका क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है ना, कि इसका मान लीजिए आपको सॉल्व करना है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं करूँगा तो मतलब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं भी सोच रहा था मैं इस पर वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। मैं बहुत सोचा, ठीक है, ठीक है ना, मैं वो सोच रहा था कि मैं वीडियो बना देता हूँ। फिर जब मैंने यूट्यूब में सर्च मारा ना, तो मैंने देखा कि मैंने एक वीडियो देखा, ये टैलेंट बैटल का, ये बहुत अच्छे मतलब ये जो सर थे बहुत अच्छे से बताए थे इन्होंने, ठीक है। देखो देखो मैं ये वीडियो देख रहा था, ठीक है ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि जो अच्छा है तो मैं उसे अच्छा जरूर बोलूँगा। तो इन्होंने ना अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो आप इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, ठीक है ना। तो इसको आप चैनल पर इसका मतलब मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसका ना क्वेश्चन को जो देखिएगा, इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया, देख सकते हैं 7 इतना व्यू है इसका, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगा इसका मतलब इनका जो कंटेंट था, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे बोला तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, इन्होंने अच्छे से क्लियर समझाया भी है, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है ना। 26 क्वेश्चन को भी इन्होंने सॉल्व किया, मैंने पूरा वीडियो देखा नहीं, बट इनका हाँ एक दो वीडियो देखकर मुझे लगा था नहीं इन्होंने अच्छा समझाया, मैं भी बना सकता हूँ वीडियो इसको देख के, ठीक है ना। मैं सोचा नहीं यार क्यों, जब जब ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर है तो यार मैं आप लोग को उसका लिंक दे दूंगा, क्योंकि देखो इनडायरेक्टली क्या है, आप लोग को अच्छे से स्कोर करना है, आप कहीं से भी करो, चाहे मैं आपको बताऊं या फिर कोई आपको और बताए, आपको अच्छे से करना है, बस प्रिपरेशन आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपका आपको टेस्ट, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, आपको प्रिपरेशन कहाँ से करना है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, इसका और इसका, इनका और इसका। और आपको क्या बताना था मुझे, हाँ, लिंक आपको पढ़ना कहाँ से, मैंने वो भी बता दिया। थर्ड वन इज़ आपको पेपर कहाँ से मिलेगा, तो ये फ्रेशर्स नाउ को मुझे वेबसाइट मिला था, जिसमें आपको TCS NQT का जो आपका मॉडल पेपर आपको देखने को यहाँ मिल जाता है, ठीक है ना। आप नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपका ये जो ऊपर वाला है ना, ये आपका पैसा लगेगा इसमें, ठीक है, मतलब आपको कुछ रुपीज़ लगेगा, बाकी सब आपका फ्री है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपको देखने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैं सोचा था आपको शेयर कर दूँ, ठीक है। PDF में आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव का लिंक है, ठीक है, देख सकते हैं वाला, ये भी देख सकते हैं, भी देख सकते हैं, ठीक है ना, खुल जाए बस, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह देखना होगा तो देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, आपको भी मिल जाते देखने को। और थर्ड वन इज़, और ये थर्ड वन इज़, ये मेरा प्लेसमेंट मटेरियल का लिंक है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने सारा कुछ मटेरियल, मतलब कि मैंने सारा मटेरियल लाइक कॉग्निजेंट का बोल लीजिए या फिर किसी का भी बोल लीजिए, मैंने इसमें सारा मैंने अपलोड कर रखा हुआ है, TCS निंजा का, TCS का, CTS का, इन्फोसिस का, मैंने इसमें सारा मटेरियल को मैंने अपलोड किया। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको जो भी मटेरियल चाहिए किसी से भी रिलेटेड, आपको यहाँ पेड मटेरियल फ्री मिल जाएंगे, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्री अवेलेबल है, आप आराम से इसमें आकर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप यहाँ पर आके आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरा ऑफिशियल पेज भी है, ये इसमें भी आप आके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा मटेरियल का लिंक है, जिसमें मैं सारा मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, और ये मेरा जो है, ये मेरा ऑफिशियल पेज है, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम का ये ग्रुप है, ठीक है, और इसमें सारा मटेरियल देता हूँ। यहाँ से आपको सारा कुछ मटेरियल आपको मिल जाएगा अपकमिंग ड्राइव का, ठीक है। मुझे लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी हो गया ना, मैंने सब तो बता ही दिया आपको कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, और हाँ, जो भी प्रिपरेशन करना है आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। जो भी हो, देखो जो भी प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, अंत में हमको मुझे पता है कि एट द एंड वो लोग प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, जिसका लॉन्चर में दिक्कत हो रहा है, किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा, किसी का ये नहीं हो रहा, किसी का वो नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि वो लोग उस प्रॉब्लम को तब तक फिक्स कर देंगे। तो आप लोग अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें, जिसका प्रॉब्लम आ रहा है मैं उसके लिए हूँ, कमेंट करो, मैं आंसर जरूर दूंगा। लेकिन प्लीज़ यार, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप लोग प्रिपरेशन करो, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक है। 19, 20, 21, 24 के बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दो यार, ये सब के ऊपर मत ध्यान दो कि सर मेरा ये दिक्कत हो रहा, मेरा वो दिक्कत हो रहा, भाई मेरा ये नहीं हो रहा, ब्रो मेरा वो नहीं हो रहा, छोड़ दो यार, लेकिन अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दो यार, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। आप NQT में अच्छे से स्कोर करो, और उसके बाद मैं तो आप लोग का हेल्प करने के लिए हूँ। आप लोग को एग्ज़ाम के समय भी प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे बस एक बार मैसेज कीजिएगा,
अगर मैं उसमें एग्ज़ाम में खुद का एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो इसका कोई टेंशन लेने का बात नहीं, मैं हमेशा आपको साथ में रहूँगा जब तक आपका अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है। तो होप करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी हद तक ज़्यादा कुछ बता दिया है। बाकी से मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप आराम से जाके वहाँ से प्रैक्टिस करें, जितना आपको प्रैक्टिस करने का मन है वहाँ से उतना प्रैक्टिस करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ मैं बता दूँ कि इसमें जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन वहाँ रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये दूसरा पेज है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का पेज था, वहाँ पीछे नहीं जा सकते हैं। मतलब एक बार आप अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे पीछे नहीं जा पाएंगे। फिर आप यहाँ पर वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन, ये सारा वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब जो मैं बता रहा था ना पहले न्यूमेरिकल का, तो ये है वो वाला है, देख सकते हैं एक करने पीछे नहीं जा पाएंगे। तो ये सही कुछ है, आप आराम से इसको जितना से, और हाँ ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26 क्वेश्चन है, तो वो 20 क्वेश्चन सिक्स ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस नंबरिंग अलग अलग रहेगा। लाइक वन का फाइव में चला जाएगा, फाइव का वन में चला जाएगा, मतलब 26 क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस उसका नंबरिंग मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब कि ऊपर नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो यही बोलना था आपको लास्ट में, ठीक है। और बाकी आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा ना कि मुझे सब मुझे 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 और भी कुछ पूछना था आपसे इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए आप होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे जितना मैं अपना प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जितना मैं अपने से करता हूँ, मैं आप लोगों को उतना हेल्प जरूर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखाइएगा अपना, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। आप पूजा आने वाला है तो हैप्पी नवमी, नवमी है क्या, नहीं हैप्पी नवरात्र का जो दिन चल रहा है उसके लिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।